सो so ये है डिसअपॉइंटिंगली एंड पिछले कुछ टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज अ प्राइमरी फोन मेरे पास इधर पर Realme GT Neo 3 पड़ा हुआ है जिसका कुल माल मसाला मिला के इसके अंदर डाल के ये फोन को बनाया गया है चालीस पैंतालीस हजार रुपए के आसपास का ये फोन है वर्थ है लेने लायक है नहीं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ इस बारे में फुल रिव्यू ऑफ दिस वन प्लस टेन आर सो लेट्स गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं 11 मई को मैंने इसको अनबॉक्स किया है एंड 26 मई को मैंने इसके अंदर अपनी दोनों सिम कार्ड डाली थी एंड तब से मैं इसको एज अ प्राइमरी फोन यूज कर रहा हूं उसके पहले मैंने काफी ज्यादा इसको टेस्ट किया था <laughs> मतलब ये फोन को मैं यूज कर रहा हूं ना और जब मेरे फ्रेंड्स हो गया ये फोन को कोई भी दूसरा लेता ना तो उन लोग बोलते यही सीधी बात बोलते भाई OnePlus प्लस तो लग ही नहीं रहा है ऐसा लगता ही नहीं है कि OnePlus का फोन है मतलब फील ही नहीं देता है सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फील से कि भाई ये फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है जो डिजाइन है डिजाइन की बात करते हैं डिजाइन में देखो साइड का जो पूरा फ्रेम है चपटा है पीछे प्लास्टिक का बैक है एंड इधर का जो डिजाइन है ये भी पूरा प्लास्टिक ही टाइप का लग रहा है मतलब है तो ये मेटल एंड ये ग्लास है और ये पूरा फ्रेम भी प्लास्टिक है अलर्ट स्लाइडर नहीं है मतलब क्या खा के डिजाइनर लोग ने इसका डिजाइन सोचा था कि भाई चलो अलर्ट स्लाइडर निकाल देते प्लास्टिक का फोन बनाएंगे हम वन के कस्टमर लोग को बेचेंगे मतलब क्या भाई बुद्धि कहां गई थी वो टाइम पे मेरे को समझ में जिससे कॉपी की रियलमी जी टी न्यूट्री इसके अंदर भी जो बैक है वो ग्लास है सो आई डोंट नो क्या सोच के इन लोगों ने प्लास्टिक का पूरा फोन बनाया बट उस चीज की वजह से एक एडवांटेज है कि फोन बहुत ज्यादा हल्का है बहुत ही ज्यादा हल्का है लाइक like, अगर आप थोड़े से भी हैवी फोन यूज करते हो एंड फिर आप इस पे आओगे ना तो आपको लगेगा वाह क्या मस्त है यार हल्का सा है ज्यादा देर तक मैं पकड़ के रहा तो मेरे हाथ नहीं दुख रहा तो ये अच्छा एक एडवांटेज यहाँ पर है एंड दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपका फोन गिरेगा तो बैक नहीं टूटेगा मतलब यूजअली अगर ग्लास वाला फोन गिरता है बैक टूट जाता है तो बहुत ही बहुत ही अजीब लगता है लेकिन बैक इसका नहीं टूटेगा तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पर है बट यार ग्लास का फील जो होता है और मेटल का जो बॉडी मेटल का जो फील होता है वो मच बेटर होता है कंपेयर टू प्लास्टिक बॉडी ठीक है इसकी वजह से मैं यहां पर इसका बहुत ज्यादा पॉइंट काटूंगा एंड एट पॉइंट टू एम एम की थिकनेस है mm थिकने से, ऐसा थिकनेस में को कोई इशू नहीं है लेकिन भाई ये जो ऐसा फ्लैट साइड वाला डिजाइन होता ना ये मुझे पर्सनली नहीं पसंद आता इवन आईफोन में भी जैसे अभी ये इसको मैं थोड़ा सा भी ऐसा टाइट पकड़ूंगा ना तो मेरे पूरे इधर पे हाथ पे निशाने ऐसा हाथ पे निशान आता है और प्लस प्लस निशान तो आता है प्लस दुखने भी लगता है जो अनकंफर्टेबल आता है फोन तो ये एक बहुत बड़ा इशू है भाई फ्लैट साइड्स का लेकिन बहुत हल्का है वन सिक्स ग्राम का है तो ये एक फायदा हो जाता है भाई ये फोन को लेने का बाकी जो डिजाइन है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि लाइक बहुत खराब नहीं है लेकिन वन प्लस का जो डिस्टिंक्ट लुक आता है ना वो नहीं है यहाँ पर बट जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक होने का जैसा देखा सो बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है लेकिन उतना कुछ नहीं है कि आपको ऐसा कोई दिक्कत आने वाला है ऐसा कोई कमजोर फोन नहीं है बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बट बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से अगर हम आगे बढ़े तो भाई यहां पर सारी चीजें काफी जबरदस्त है क्योंकि यहां पर हमको ये सिक्स इंच की फुल एच वाली एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है चीन देखो बहुत कम है भाई यहाँ पर तो काफी यूनिफॉर्म सी डिस्प्ले है छोटा सा बिंदु है फ्रंट में एंड जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है भाई आपको वीडियो देखना है मूवीज देखना है कॉन्टेंट वगैरह देखने में मजा आएगा बहुत सुपर क्वालिटी का डिस्प्ले है प्लस जो कर्स वगैरह आते हैं बहुत अच्छे

मेरे को सब जगह का ऑप्शन दो ना यार मजा नहीं आता सच बोल रहा तो वो थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है कि लाइक है है फिर 60 से, फिर 120 से, अगर आपको 120 की आदत पड़ जाती है फिर 60 पे गिरता तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है लेकिन ठीक है काम चल जाता है बहुत सारे लोगों को इतनी कुछ समझ में नहीं आती चीजें जो थोड़े से एडवांस लोग हैं टैकी में मतलब टैक्स सेवी लोग हैं जिसको समझ में आता है रिफ्रेश रेट में डिफरेंस दिखता है उसको समझ में आता बाकी सारे लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता मतलब डिस्प्ले तो ठीक है यार लेकिन आप लोग पांच लाख सब्सक्राइबर पहुंचाओ फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो जल्दी से जल्दी पांच लाख पहुंचाओ यार

बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर तो 870 के आसपास का परफॉर्मेंस ये निकाल के देता है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा खराब प्रोसेसर है लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं है अभी तक के बाकी ओवरऑल इसमें कोई हीटिंग इशू मेरे को देखने को नहीं मिला एंड अभी थोड़ा अपडेट्स वगैरह आने के बाद गेमिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई आप लोग सिक्स की गेमिंग कर सकते हो लेकिन स्टिल आई फील की गेमिंग अगर आपको करनी है तो आप एट या फिर ट्रिपल एट की तरफ जाओ ये फोन अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं है गेमिंग के लिए भी तो मुझे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगा पर्सनली जितना मैंने सोचा था क्योंकि चालीस का फोन है एंड चालीस में वाइट ट्रिपल एट वगैरह का परफॉर्मेंस हमको देखने

सॉफ्टवेयर अच्छा है लेकिन कुछ ऐसा मतलब जैसा पहले था ना ऑक्सीजन ओएस वैसा नहीं है भाई, वो बहुत था पहले लेकिन ठीक, ऐसा काम जाएगा आपको ऐसा कोई बुरा नहीं लगेगा क्लीन तो अच्छा है चल जाता है बाकी सॉफ्टवेयर की वजह से भाई बहुत सारे लाइक वन ट्वेंटी है एंड अगर समझ लो मैं कोई भी वीडियो में देख रहा हूँ देखो, देखो कैसा कैसा स्लो स्लो चल रहा है सी, अरे देखो, अरे देखो, ये इतना महंगा फ़ोन है ये जो 60 fps वीडियो को इजीली प्लेबैक कर देना चाहिए टेन ए में जब मैं कोई भी ऐसी वीडियो देखता हूँ जिसमें सिक्सटी एफ पी एस तो मेरे को फोर ए पे देखना पड़ता है सो so, ये बहुत ही ज्यादा इरीटेटिंग एक्सपीरियंस था मुझे ये सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा ये रियलमी जी टी न्यो के साथ में था एक्चुअली में ये डायमेंसिटी एटी का इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी सो so, ये अजीब सी बात लगी लाइक टू एक्स नहीं देख सकता यार मैं छोटे मोटे बग्स जैसे रहते हैं भाई और सबसे बड़ा इसका बग या फिर मैं बोलूँ सबसे बड़ा इसका इशू भाई इसके अंदर अलर्ट स्लाइडर नहीं है यार मतलब उसके बिना तो भाई ऐसा समझ लो ना कि वन प्लस का फोन बेकार है अब यहां से मेरे को साइलेंट करना पड़ता है साइलेंट हटाना पड़ता है भाई बहुत सर दर्द है यहाँ पर रहता पटक से कर दो ऊपर साइलेंट हो गया सॉर्टेड रहता है वो लेकिन अभी क्या बोलने का चलो ठीक है काम चल जाएगा लेकिन ऐसा किसी को जिसको आदत नहीं है लेट स्लाइडर की उसको ऐसा कोई कमी नहीं महसूस होने लगे अगर लेकिन आप पहले से कोई वन प्लस फोन यूज कर रहे हो तो ये फोन प्लीज मत लेना आपको बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है ठीक है अभी आगे बढ़ू कैमरा की तरफ तो भाई इसके अंदर हमको पचास मेगा का मेन आठ मेगा पिक्सल का अल्ट्राइड दो मेगा पिक्सल ऐसे टाइम पास के लिए सोलह मेगा का सेल्फी शूटर मिलता है यहां पर मैं आपको सबसे

इसमें इसमें आपको कितना हो फर्क देगा इधर पे पूरा ब्लू हो गया इधर पे देखो प्रॉपर व्हाइट है तो व्हाइट बैलेंस बहुत ज्यादा बेकार है इसका व्हाइट बैलेंस नहीं मैनेज कर पाता बराबर से तो so, भाई ये मेन कैमरे की फोटो है जो पचास मेगा वाला है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो भाई क्या ही क्वालिटी है जबरदस्त इवन जो अल्ट्रा वाइड है एंड जो मेन सेंसर है तो दोनों का जो कलर है वो भी काफी अच्छे से मैच किया अगर डे लाइटिंग रहती है जैसे कि आप लोग देख रहे हो भाई एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये इंडोर में है काफी शार्प है काफी डिटेल्ड है अच्छा है मतलब कोई सा दिक्कत नहीं लग रहा है आपको आराम से आप अच्छी फोटो दे सकते हो ये अल्ट्रा वाइड अल्ट्रा वाइड तो भाई इंडोर में इतना कुछ खास काम का नहीं है ये ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो है यहाँ पर तो काफी अच्छी फोटो ली है भाई स्किन टोन्स काफी ज्यादा नेचुरल रखने की कोशिश की है शार्पनेस वगैरह काफी अच्छी है ओवर शार्प करने की कोशिश नहीं की गई है ये पोर्ट्रेट मोड है बैकग्राउंड ब्लर वगैरह अच्छे से काम किया हल्का फुल्का इधर पे आपको हेयर पे ऐसा लगेगा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है भाई लेकिन जो एज डिटेक्शन वगैरह वो काफी अच्छा है मतलब ऐसा कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली बाकी ये फ्रंट फेसिंग का कैमरा गई कोई कोई फोटो अच्छी नहीं आती है आपको थोड़ा सा अच्छी फोटो लेना पड़ता है थोड़ा मतलब लाइटिंग अच्छी नहीं रहती ना तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा जैसे आप लोग देख पूरा बैक ग्राउंड व्हाइट वाइट हो गया पोर्ट्रेट मोड है फ्रंट फेसिंग वाला लेकिन फोर्टी थाउजेंड रुपीज में आप ऐसा इनकंसिस्टेंट कैमरा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे इससे बहुत ज्यादा बेटर वन प्लस नाइन आर टी का कैमरा है तो ये चीज आप लोग समझ लो अब अगर बात करूं बैटरी की तो उसके पैतालीस सौ एम बैटरी है एंड वन फिफ्टी का चार्जर मिलता है और अगर आप एटी वॉट वाला यूनिट लोगे इससे एक हजार रुपए कम में आता है उसमें भी ट्वेल्व टू फिफ्टी सिक्स जीबी वाला वेरियंट है जो फोर्टी थ्री थाउजेंड का है वो एटी वोट के साथ में आता है प्लस उसके अंदर फाइव थाउजेंड एम बैटरी मिलती है और एक है वो थर्टी नाइन का आता है वो एट वन ट्वेंटी एट के साथ में आता है एटी वोट चार्जर के साथ

की बात करूँ तो स्टीरियो स्पीकर है इसके अंदर एंड भाई का लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा लाउड है भाई इसके एंड बजते हैं एकदम खतरनाक तरीके से बेस थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बेस ही है लेकिन साउंड बहुत ज्यादा लाउड है जिसको ज्यादा लाउड वाला ज्यादा आवाज वाला फोन पसंद है तो उसको बहुत पसंद आने वाला है, है बाकी उसके बाद अगर बात करू तो उसके अंदर फाइव का बहुत सारे बैंड ये हुए हैं जी है व्यल है फोर प्लस है, है सब चल जाता है आप लोग यहाँ पर देख रहे हो व्यो वाई फाई व्यू एल टी एवरी वर्क परफेक्टली फाइन कॉल वगैरह अच्छे से चलता है भाई इसके अंदर गूगल का डायल रहा तो आप लोग कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते ये चीज है लेकिन काम चल जाता है मतलब कॉल वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर हमको सेकंड नॉइस कंसलेन माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है आप पब्लिक में भी कॉल वगैरह लोगे तो कोई इशू नहीं बेसिक सारी चीजें जो है वो अच्छे से काम करते हैं उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला एंड बात करूं फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो काफी फास्ट है भाई काफी ज्यादा जैसे आप लोग तो देख रहे हो टच करो तुरंत खुल जाता है टच करो तुरंत खुल जाता है एंड जो फेस अनलॉक है स्क्रीन लॉक भी नहीं दिखता देखो एकदम एकदम रफ्तार है भाई मतलब मस्त है स्पीड में कोई इशू नहीं आने वाला सो so, ओवरऑल मेरा क्या मानना है पर्सनली ये डिवाइस को लेकर अगर मुझे वन प्लस का फोन लेना होता ना तो मैं आंख बंद करके वन प्लस नाइन आर टी लेता इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता मेरा थोड़ा और बजट होता ना अगर तो मैं वन प्लस टेन प्रो लेता और अगर इसके आसपास बजट होता तो वन प्लस नाइन आर टी लेता एकदम आख बन करके भाई इससे बहुत ज्यादा बेटर फोन है वो मेटल बॉडी है ग्लास बैक है अलर्ट स्लाइडर है बेटर प्रोसेसर बेटर ऑप्टीमाइज प्रोसेसर है एंड बेटर सॉफ्टवेयर तो नहीं बोल सकता लेकिन बेटर कैमराज है फॉर श्योर sure भाई ये सारी चीजें नाइन आर टी में इससे ज्यादा बेटर है एंड अगर आप लोग सोच रहे हो गए की जी टी नियो थ्री के ऊपर ये दो हजार रुपए एक्स्ट्रा लगभग लगभग जाएगा तो दो हजार रुपया डाल के ये लेने लायक है क्या नहीं तो डेफिनेटली इससे तो ज्यादा बेटर है आप लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे सेम सेम टू फोन है लेकिन नहीं भाई सेम

सब्सक्राइब कर दोगे तो मजा आएगा भाई क्योंकि देखो बहुत जल्दी पांच लाख सब्सक्राइब पहुंचना तो सब्सक्राइब कर लो बाकी इतना ही था थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय।